ये है वो स्पॉट भाई जहां से पेंगोंग लेक घूम जाती है चाइना की तरफ। आराम से रखे हाथ कहीं पे हिलना चाहिए, मतलब बिल्कुल जबरदस्त वाले गधे हैं यार इधर। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग मिराक से आगे बढ़ने वाले हैं एंड हवा एक टायर वही ड्रामेबाजी कर रहा है, थोड़ा सा थोड़ी कम हो जाती है उसकी कंपैरेटिवली औरों के, तो हम लोग एक बार ज़रा हवा फिल अप कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का, चाय वाय तो पी लें कम से कम, और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। आज का प्लान है हानले का और हम लोग को एक्चुअली उमलिंगला का रास्ता नहीं पता लग पा रहा है, तो रास्ते में आई गेस चुशुल में हम लोग पूछेंगे किसी से। टाइम टू से गुड बाय टू ब्यूटीफुल मिराक स्पॉट है जहाँ हम रुके हैं, वहाँ से जो व्यू है व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। पेंगोंग इको रिजॉर्ट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपका यूट्यूब चैनल मेरा यार डी सी वी सर्च करना है, डी सी वी वी, हाँ विक्ट्री वाला वी। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि ट्रिप लंबी है, कैश निकलता नहीं है हर जगह से, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पूरा सेटअप था ही, तो व्हाट वी सेड कि आपके पास इतना ओपन स्पेस पड़ा है, वी डोंट नो कि लेक के पास जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे गांव वाले। मैं नीचे जाके देख के भी आया, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हमने सोचा कि वाई नॉट। तो फिर हम लोगों ने इनसे नेगोशिएट किया एक प्राइस के लिए जहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करें और वॉशरूम वगैरह यूज़ करें तो क्या चार्ज करेंगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, लाइक ये जगहें जैसे खाली हैं, कुछ ना कुछ इनको भी मिलता है और आपको भी फिर किसी को ऑफेंड किए बिना एक जगह मिल जाती है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सामने पेंगोंग लेक है और पीछे ये पहाड़ है, इनके पीछे और भी बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे जहाँ से कि लगातार स्ट्रीम्स बहती रहती हैं, तो पेंगोंग लेक में इन ऊपर वाले पहाड़ों की बर्फ़ की स्ट्रीम का ही वाटर आता है सारा का सारा। और अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। सुशील कुमार को आज सांस ज़्यादा चढ़ रहे हैं, 14,000 फीट की हाइट पे हैं हम, आज हमारी वॉच की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, मैं चार्जर कैरी कर रहा हूँ बट द इशू इज़ चार्जर ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा है इससे, तो या तो मैं इसको छत पे बांधूंगा जिससे सोलर चार्ज हो सके। अरे सिर भाई इसको उठा के रखा, अगर तेरे गंजी स्टैंड फूट जाएगी। अब देख ये ऐसे ज्यादा झुकता है ना, हाँ। अब अंदर छोड़ दिया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, ये इसीलिए होता है अंदर बेडिंग छोड़। आज हम कोशिश कर रहे हैं वो बनाने की, क्या बोलते हैं उसको, पोहा। देख लेते हैं, कर लेंगे एडजस्ट। अभी तो और भी एक दो गांव है ना शायद अपना इधर को, इधर छोटा सा गांव है खकतक बोलते, इधर गांव नहीं है पर ना इस तरफ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बस ये है कि इधर जा रही है और अपना पोस्ट होंगी फिर आगे जाके ना। लेक के साथ साथ में हम यहाँ तक कितने किलोमीटर आए होंगे, 30-35 है ना। चल बड़ी सही रही है, 14,000-14,500 की हाइट पे भी गाड़ी। यहाँ ना बहुत पतली पतली है अभी अंदर, मेरे ख्याल से कम 70 किलोमीटर तक, फिर एंड में जाके है पूरा ऐसे चौड़ा वाला सीन। ये है वो स्पॉट भाई जहाँ से पेंगोंग लेक घूम जाती है चाइना की तरफ, पतली पतली रहेगी अभी ये कम से कम 50-60-70 किलोमीटर, फिर एंड में जाके चौड़ा स्पॉट आएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको ये भी कोई चौड़ा कोई स्पॉट नहीं है, ये भी पतला ही है, बीच बीच में और भी पतली होगी।
और कई जगह पे क्या कलर दिखाई दे रहा है भाई साहब इसके अंदर। तो अब हम बढ़ रहे हैं चुसुल की तरफ एंड ये नज़ारे देख के एक बार को तो मन करता रुकने का, बेशक कितनी भी इंटरनेट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मेराक से हम लोग आए होंगे अभी अराउंड 20 किलोमीटर, अराउंड 20 ही आए होंगे ज़्यादा नहीं। और ये नेक्स्ट विलेज है, नाम इसका अभी मुझे ध्यान नहीं है, हम जस्ट डाउनलोडिंग ऑफलाइन मैप्स, फिर उसके बाद थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जियो आया हुआ है, जो टावर लगा हुआ है ऊपर वो जियो का ही है एंड द सिग्नल्स आर गुड, अच्छी ठीक ठाक स्पीड आ रही है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोग के पास ऑफलाइन मैप्स रहेंगे। तो हुआ क्या था, निकलने से पहले आपकी बार मैंने अपडेट नहीं किया था और उसकी वजह से थोड़ा सा इशू मैं फेस कर रहा था। उधर सामने ठंड तो यहाँ पे यार हर मौसम में रहती है, इसमें भी एक अच्छी मतलब अच्छी फीलिंग वाली ठंड है। इवन एट अराउंड 12 o'clock वहाँ पे कुछ सेक्शंस थे जहाँ पे कुछ कैंप्स थे आर्मी के, तो ठंड में यार क्या हाल होता होगा उन लोग का, ठंड में हम श्योर यार बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे जिन लोग की पोस्टिंग है उनके लिए। तो ये जगहें जितनी सुंदर दिखाई देती हैं ना उतनी ही टफ हैं, और इंडियन आर्मी से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उन लोग को उस वेदर में भी यहाँ रहना है जिस वेदर में यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। इसीलिए यहाँ का एक लिमिटेड सीज़न होता है, लोग उस सीज़न में आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं, बट आर्मी को हमेशा यहाँ पे रहना पड़ता है। तो सलूट टू देम यार। आराम से रखियो, हाथ कहीं पे हिलना नहीं चाहिए, पहचान में तो ठीक है। चुसुल हम लोगों ने अभी इसको क्रॉस किया एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अंदर से रास्ता, और ये तो खैर एक ग्राउंड सा ही है जिसके अंदर टायर मार्क्स देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम हाले की तरफ जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा ऐसे है बस। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हाले की हाइट कितनी है, लेट्स सी, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे मेराक में दैट वाज 14,000 feet। अब देखते हैं हानले कितना है, फिर उमलिंगला तो जाएंगे ही उसके बाद। टर्न लेके नहीं तो अभी घुसना पड़ता है तो निकालने है उधर रास्ता, वो बाइक वाले जाने लगे। उसके ऊपर से रास्ता होगा कोई,
डीप था भाई, बोनट पे पानी आया पूरा ऊपर शीशे तक। चलो जी चलो। वैसा वाला जैसे वो घर से हमें स्टॉक करके रखते हैं ना, वो ब्लैक वाला होगा, पर वो सही नहीं होता। बी एस सिक्स गाड़ी तो ख़राब हो जाती है उससे, तो अपना तैयारी करके आओ इस रूट पर, इसीलिए लोग कम मिलते हैं इस पर, क्योंकि फ्यूल व्यूल नहीं मिलता ना, वो टाइम लगेगा यार, वो घूम के आएंगे ना। तो शॉर्टकट ले लिया हमने तो पानी में से। हानले वाला रूट है तो सीनिक, पहाड़ दूर दूर है, वैली के अंदर से ज़्यादा ट्रैवल है इसके अंदर, और कई जगह पे रास्ता टूटा है, मिट्टी में से निकालो, कई जगह पे रोड बहुत अच्छा है। रोड वाली बात नहीं है, कुल मिला के मतलब ओवरऑल फील काफ़ी अच्छी है। अलग अलग तरह का बेस मिलेगा, कहीं पे मिट्टी मिलेगी, कहीं पे पत्थर मिलेंगे, कहीं पे घास मिलेगी, तो चेंज सा होता रहता है। अभी हानले है 41 किलोमीटर्स, एंड अब कुछ लोग उधर से आते हुए भी दिखने लगे हैं। फर्स्ट टाइम दो बैचेस अभी सामने से भी आए हैं, लोगों ने अभी रोंगो क्रॉस किया है, रोंगो। बाकी और देखते हैं कौन कौन से गांव आएंगे बीच में। हाइट भी थोड़ी गिरी है 1000 फीट के आसपास। अब आप कैसे, मेरे ख्याल से पहले हम इतनी हाइट पे होंगे जितने पहाड़ हैं। अब हम लोग वैली में चल रहे हैं। हानले बचा है 25 किलोमीटर के आसपास। अब रूट बन गया सॉलिड, मतलब अब टारमैक आ गया है बढ़िया वाला, और यहाँ का फेवरेट बोल लो या फिर यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट एनिमल आ रहा है सामने से, गधा। मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त वाले गधे हैं यार इधर, फिट बिल्कुल, आदमी को देखते भाग जाते हैं। पर
सारे पहाड़ों के अलग अलग कलर्स, अलग ही स्टाइल है इधर के पहाड़ों का। इधर वाले मिट्टी वाले ज़्यादा हैं पहाड़ इस वाले सेक्शन में। यार इस रिवर का नाम चेक करना पड़ेगा। इस रिवर के किनारे ग्रीनरी है थ्रू आउट, ग्रासलैंड्स हैं, जानवर, अरे जानवर यहीं पे चर रहे हैं। सो वी नीड टू चेक दैट, बट वी आर अबाउट टू रीच हानले। और हानले में है अपनी जो बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी है स्टार्स की, तो वो भी हमें ज़रा फील करनी है कि आसमान साफ वाला चक्कर है। ऐसा ना हो कि हानले में भी आसमान साफ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है।